वो जो दर बदर खाक बसर हुए, वो जो लुट गए बेघर हुए। वो न मांगे तुमसे तुम्हारा घर, न तुम्हारा सुख न तुम्हारा दर। वो तो चाहते हैं गुजर बसर इन्हीं वादियों में उम्र भर। ये कड़ा वक्त, ये तलखियां, ये गर्दिशें, ये बिजली है हमारे रब का ये इम्तिहान। चलो काफिलों को करो रवा, आओ मिलकर इनका साथ दें, जो मदद करे वो हाथ दें। कि ये अपनी धरती के लोग हैं, इन्हें जिंदगी की सौगात दें, इन्हें फिर वही हालात दें। गरीब नादार लोगों के दुखों का मदावा और मुश्किलात का इदराक लिए लियाकत तरकई वेलफेयर ट्रस्ट का कयाम तो गोया 1960 की दहाई में ही अमल में आ गया था, जब इब्तदाई तौर पर एक खास बड़ी देगची में सालन तैयार किया जाता और गरीबों में ये खाना तकसीम किया जाता। लेकिन इस ट्रस्ट को बाकायदा एक इदारे की शक्ल 90 की दहाई में दी गई। लियाकत तरकई वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन लियाकत खान तरकई की सोच के हर घर में चूल्हा जलता रहे और गरीब तक उसका हक पहुंचता रहे के मिशन ने इस ट्रस्ट के कयाम में बुनियादी किरदार अदा किया। और आज ये ट्रस्ट न सिर्फ गांव की सतह पर बल्कि सूबाई और विफाक की सतह पर बिला किसी बैरूनी इमदाद के अपनी मदद आप के तहत गरीब और नादार लोगों के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। लियाकत वेलफेयर ट्रस्ट के जेर एहतमाम बैक वक्त कई अहम प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिनमें अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस, पीने के साफ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तंसीब, माजूर और स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी पैकेजेस, रमजानुल मुबारक में इफ्तार और सहर के साथ ईद स्पेशल पैकेजेस, इदारा फी सबीलिल्लाह के तहत गरीब खानदानों में राशन कार्ड्स की मुफ्त तकसीम और अचानक कुदरती आफात जैसे सैलाब और जलजले में अवाम तक बराह रास्त इमदाद पहुंचाना है। 20 साल से जायद अरसे से लियाकत वेलफेयर ट्रस्ट रमजानुल मुबारक और आम महीनों में गरीब और नादार लोगों के लिए मुफ्त लंगर का एहतमाम किए हुए हैं। रमजानुल मुबारक में खुसूसी एहतमाम के तहत मायारी खाने, जिनमें चावल चिकन समेत हर किस्म का मायारी खाना और 1500 गैलन शरबत रोजाना की बुनियाद पर तैयार करके जिला सवाबी के मुख्तलिफ गाँव और कस्बों में भेजा जाता है, जिनमें आम घरों के अलावा मदरसे, जेल खाने और यतीम खाने भी शामिल हैं, जहां रहने वाले सहरी और इफ्तारी में इन खानों से मुस्तफीद होते हैं। सहरी और इफ्तारी की तैयारी में 100 से 150 अफराद को रोजगार के मौके फराहम होते हैं। ट्रस्ट के जेर एहतमाम एक अस्पताल और नाहिद एम्बुलेंस सर्विस भी अरसे से काम कर रहे हैं। इस अस्पताल में हेपेटाइटिस बी और सी के 5000 से जायद, कैंसर और दिल के अमराज के 400 से जायद मरीजों को इलाज की सहूलतें फराहम की गई हैं। इसके अलावा अमराज चश्म के लिए ओपीडी और ऑपरेशन की भी फ्री सहूलियात मौजूद है। लियाकत वेलफेयर ट्रस्ट का एक और अहम प्रोजेक्ट क्विक रिस्पांस यूनिट है, जिसमें ट्रस्ट के रजाकार फौरी तौर पर किसी भी नागहानी सूरत हाल या कुदरती आफात की सूरत में फौरी इकदाम शुरू करते हैं। हालिया सैलाब में ट्रस्ट ने जरूरत महसूस करते हुए फौरी तौर पर सैलाब से मुतासर इलाकों जिला चारसद्दा, जिला नौशहरा और सवाबी में 15,000 से जायद खानदानों को फूड पैकेजेस, जिनमें आटा,
دالیں، چینی، گھی پہنچائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کر کے طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ سیلاب زدگان کی واپس مستقل آبادکاری تک جاری رہے گا۔ اس سے پہلے 2008 میں بھی ٹرسٹ کے کوئک ریسپانس یونٹ نے اس وقت بھرپور کردار ادا کیا جب مالاکنڈ ڈویژن اور بونیر کے علاقوں میں پاک فوج نے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن راہ راست شروع کیا، جس کے نتیجے میں 30 لاکھ سے زائد افراد نے سوات اور بونیر سے نقل مکانی کی، اور سوابی، مردان، نوشہرہ اور پشاور کے مختلف علاقوں میں 3 ماہ تک مختلف کیمپس میں رہے۔ خدمت اور مہمان نوازی کے بھرپور جذبے کے تحت لیاقت ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت پہلے مختلف کیمپس بنا کر اور بعد میں ایک مکمل ٹینٹ سٹی بنا کر 7,000 سے زائد خاندانوں کی 3 ماہ تک مہمان نوازی کی۔ تمام خاندانوں کو ٹینٹس کے اندر بجلی، صاف پانی اور حفظان صحت کے اصولوں کے ان مطابق معیاری کھانوں کی سہولیات میسر رہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا ان کیمپس کا دورہ کر کے ان تمام سہولیات کی تصدیق پہلے ہی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لیاقت ویلفیئر ٹرسٹ مستقبل میں کئی اہم پروجیکٹس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر، ہر علاقے کے عوام کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے بندھن میں باندھے رکھنا اور غریب اور نادار لوگوں تک پہنچنا، تاکہ مصیبت اور آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، لیاقت خان ترقی ویلفیئر ٹرسٹ کا مشن اور مقصد ہے۔